जब हम योग क्लास में पहले दिन प्रवेश करते हैं और हमें मरकट आसन करना होता है तो क्या करना होता है, पीठ के बल लेट जाते हैं और दोनों पैरों को सीधा करके दोनों हथेलियों को हम साइड में खोल देते हैं हाथ को और दोनों पैरों को धीरे से मोड़ेंगे। पैर को मोड़िए और मोड़िए थोड़ा सा, ठीक। सांस को भरिए और पैर को दाहिनी तरफ गिरने दीजिए और गर्दन को बाईं तरफ, एड़ी एड़ी पर, अंगूठा अंगूठे पर और घुटना घुटने पर। इस अभ्यास का नाम है मरकट आसन। इस आसन को बंदर से लिया गया है और मेरुदंड के लिए, कमर दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए और गर्दन दर्द के लिए अत्यंत ही लाभकारी और रामबाण औषधि है। पुनः सांस को छोड़ते हुए पैर को बीच में ले आइए, फिर पैर को दूसरी तरफ गिरने दीजिए, गिराइए, गिरा दीजिए, आराम आराम से गिराइए। हाँ, यहाँ पर कमर ट्विस्ट हो रहा है, गर्दन ट्विस्ट हो रहा है। इस अभ्यास को 5-5 बार हमें करना चाहिए और इस अभ्यास को करने से आपके स्पाइन मजबूत होंगे, आपके मेरुदंड मजबूत होंगे इस अभ्यास को करने से। स्टेप है इसका दूसरा स्टेप, पैरों को खोलिए 2 फीट की दूरी, एड़ी भी फैलाइए, घुटना भी फैलाइए, बहुत अच्छा। अब दाहिने पैर को गिरने दीजिए जमीन पर, पहले इधर गिरने दीजिए, थोड़ा पैर इधर कर लीजिए पैर, और बायां पैर को भी ठेहुना को इस एड़ी पर जाने दीजिए, पैर उसको गिराइए पहले, और इसको भी उधर जाने दीजिए, गिरने दीजिए उसी एड़ी पर, गिरने दीजिए, गिराइए, एड़ी पर जाने दीजिए, गर्दन इधर करिए, गर्दन इधर ले आइए। इस अभ्यास को भी 5 बार करिए, मूव करिए उसी तरह, पैर को बीच में लाएंगे, सांस को छोड़ते हुए और पैर फैला के ही रखना है, पैर उतना ही फैला हुआ रहेगा। सीधे पैर को उधर गिरने दीजिए, गिरने दीजिए और गर्दन इधर आने दीजिए। एक अभ्यास को कम से कम 5 बार करना है, और गिरने दीजिए ठेहुना को, इधर खींच रहा होगा साइड में। ये है मरकट आसन का दूसरा रूप। अब इसके बाद इसका तीसरा स्टेप क्या है, पैरों को खोल दीजिए पूरा, पैर पसारिए, इधर दाहिना पैर उठाइए सीधे ऊपर की तरफ, सीधे ऊपर उठाइए और उस हाथ से पकड़िए, उस हाथ से पकड़िए, अंगूठा पकड़ लीजिए और इधर गिरने दीजिए, इधर बाईं तरफ गिराइए जमीन पर, गिरने दीजिए और तानी कस के ठेहुना सीधा करिए, ठीक है, पकड़ लीजिए आराम से, आराम से, ठीक है, तानी कस के, बहुत अच्छा अभ्यास। गर्दन को उधर और गिरने दीजिए, गर्दन आपका और मूव करेगा धीरे धीरे, और पैर ठेहुना अभी टेढ़ा हो रहा है, अभी पैर सीधा करिए, पैर टाइट करिए, हाँ, नीचे वाला पैर भी सीधा रहेगा, और इसी पैर को सीधा करके दूसरे पैर से फिर कर लेंगे 2 से 3 बार। इसको वहीं जाने दीजिए पैर को, जहाँ से लाई थी आप, पसार दीजिए नीचे, पसारी आगे ले जाकर। अब बायां पैर उठाइए सीधे छत की तरफ और दाहिने हाथ से पकड़िए अंगूठे को और दाहिनी तरफ गिरने दीजिए, इसको गिरने दीजिए, गिराइए, गर्दन बाईं तरफ, गर्दन को बाईं तरफ करिए, गर्दन बाईं तरफ करिए, पैर तानी कस के, ये बांह नहीं उठना चाहिए, दोनों कंधा जमीन पे सटा हुआ रहना चाहिए। इस आसन का नाम है मरकट आसन। ये 3 बड़ी बीमारियों से आपको मुक्ति देगा, 1 कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन दर्द, यानी L1 से L5 के तरफ की कोई समस्याएं हैं तो आप इससे मुक्ति पा लीजिएगा। और इस अभ्यास को हमारे सारे पुराने साधक बखूबी अच्छे तरीके से कर रहे हैं और